वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, इस वाले गाने के बीट सिंग पर सेक इफेक्ट और ग्लो स्कैन इफेक्ट लगाकर एकदम जबरदस्त स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमारे 87 बीट से हम 87 इमेजेस पर इफेक्ट्स लगाने वाले हैं। तीन इफेक्ट्स यूज करेंगे। दोस्तों इफेक्ट्स तो तीन है लेकिन इमेजेस ज़्यादा होने के कारण आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से इमेज पर कौन सा वाला इफेक्ट लगाना है। इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक में, सिंपल टिप्स में आप कह सकते हैं कि कौन से इमेज पर कौन सा इफेक्ट लगाया है बताया हुआ है। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे इनेबल कर देना होगा। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकीपेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट से की पैक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट से की पैक प्रीसेट को अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इंपोर्ट किए हुए सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा आए हो मेरी जिंदगी में ये वाला गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं यहाँ पर हमने ऑलरेडी बिटमार्क ऐड कर दिए है। दोस्तों आप देख सकते हैं शुरुआत से ही हमारे स्टार्टिंग से ही बीट स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में ही इमेजेस ऐड करेंगे। इस वीडियो में हम ओवरले इफेक्ट या इमोजी पेंज का यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे बीट्स है वो स्टार्टिंग से है इसलिए। दोस्तों अब हमें क्या करना है, शुरुआत से ही जीरो सेकंड पर आ जाना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज वीडियो में जाना है और जिन भी इमेज पर आपको ये वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उन इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम समंता केन या समंता रुद्र प्रभु के इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो उनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों आपको सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करके प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऐड कर लेना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन पर इनेबल कर देना है। इस वाले बटन पर क्लिक करके एग्जैक्ट नेक्स्ट वाले बिटमार्क पर जाना है और इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको आगे के जितने भी बिट्स है उनमें सभी इमेजेस को ऐड कर देना होगा। दोस्तों मैं सभी इमेजेस को ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। दोस्तों मैंने जो आपको सेकी पैक प्रीसेट प्रोवाइड किए उसको ओपन कर लीजिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम तीन इफेक्ट्स यूज करने वाले हैं 87 इमेजेस पर। आप देख सकते हैं तीनों भी इफेक्ट्स, पहले में यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाला इफेक्ट है लाइटनिंग वाला थोड़ा सा, उसके बाद सेक इफेक्ट और तीसरा हमारा ग्लो स्कैन वाला इफेक्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम एक नंबर वाले इफेक्ट को कॉपी करेंगे। इसके लिए आपको इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है। इन इफेक्ट्स को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए। दोस्तों आपका डिवाइस अगर सपोर्ट नहीं करेगा ज़्यादा इमेजेस तो थोड़ा सा लैग करेगा, लेकिन दोस्तों मैं जो आपको स्टेप बताऊंगा उन्हीं स्टेप का आप फॉलो करते हो तो दोस्तों आपको बड़े आउटपुट मिलेगा इस वीडियो का। दोस्तों आपको पहले इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाकर इस वाले इफेक्ट को थ्रोट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। दोस्तों पहले इमेज से लेकर 8.07 सेकंड यानी कि पहले जो 17 इमेज हो गए, दोस्तों आप देख सकते हैं पहले इमेज से लेकर 8.04 सेकंड के बीच में जो हमारी पहले 17 इमेजेस है 17 इमेजेस उन पहले 17 इमेज पर आपको ये वाला
पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, पहले इमेज से लेकर पहले 17 इमेज यानी कि 8.04 सेकंड वाले इमेज तक ये वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देना है दोस्तों। पहला इफेक्ट 17 इमेज पर पेस्ट करने के बाद आपको सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और अब आपको दूसरे इफेक्ट को कॉपी नहीं कर लेना, सिर्फ आपको तीसरे इफेक्ट को यानी तीसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी कर लेना है। तीसरे इफेक्ट को कॉपी करने के बाद सॉन्ग बिटमैप प्रीसेट को ओपन कर लीजिए दोस्तों। ये वाला इफेक्ट हमें 22 इमेजेस पर लगा देना है। तो पहले हमने पहला इफेक्ट 8.04 सेकंड तक लगाया था, उसके बाद आगे 22 लगातार नहीं है 22 दोस्तों, मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा। इसके लिए आपको आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं कहां पर भी अगर आपको समझ नहीं आता होगा तो। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 9.04 सेकंड पर जाना है। 9.04 सेकंड पर जाने के बाद वहां वाले इमेज पर आपको वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद 11.03 सेकंड पर दोस्तों मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा सीधा इमेज का, उस इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट ग्लो स्कैन वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है 11.03। उसके बाद नेक्स्ट वाली इमेज 11.17 वाले इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद 12.21 तो ये वाले इमेज पर ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद आपको, अब दोस्तों मैं आपको अब टाइमिंग बताऊंगा, आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। 12.21 पर लगा देने के बाद 13.01, 13.22, 14.29, 15.14, 16.28, 17.27, 18.11, 18.26, 19.10, 20.25, 22.15, 22.25, 23.08, 24.21, 25.12, 26.20, 27.04 और 28.19 इन 22 इमेज पर आपको ये वाला ग्लो स्कैन वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है दोस्तों। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ टाइमिंग के साथ, 9.04, 11.03, 11.17, 12.21, 13.01, 13.22, 14.29, 15.14, 16.28, 17.27, 18.11, 18.26, 19.10, 20.25, 22.15, 22.25, 23.08, 24.21, 25.12, 26.20, 27.04 और 28.19 इन 22 इमेज पर आपको ग्लो स्कैन वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और दो नंबर वाले हमारे मिडल वाली इमेज है उसके बिट्स को अब आपको कॉपी कर लेना है दोस्तों। सिंपल बात है, अब पहले 17 इमेज और 22 इमेज छोड़कर जो बची हुई हमारी 48 इमेजेस होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं 8.04 सेकंड से आगे उन 48 इमेज पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है बची हुई 48 इमेज पर दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि हमारा पहला और दूसरा इफेक्ट पेस्ट करने के बाद जो बची हुई इमेजेस रहती है दोस्तों, उन बची हुई इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है दोस्तों। ये करने के बाद हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे तो दोस्तों अब हमारा तो यहाँ पर हम ओवरल इफेक्ट तो यूज़ नहीं करेंगे या इमोजी पेन यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। हमारा यहाँ पर पूरा स्टेटस यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको एक लव पार्टिकल इफेक्ट ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको मैं ऑल मेटल्स में दे दूंगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला इफेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट बहुत ही कमाल का इफेक्ट है दोस्तों, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको फिल स्क्रीन कर देना है। फिल स्क्रीन करने के बाद मूवमेंट ट्रांसफॉर्म सॉरी ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइटिंग में स्क्रीन इनेबल कर देना है दोस्तों। करने के बाद हमारे यहाँ पर पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो लोगों ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दीजिए दोस्तों, हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए अब आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है तो आपको सेटिंग के बगल में शेयर वाला आइकॉन दिखाई देगा, राइट साइड में उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों आप 720 पिक्सल वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों भी नहीं होगा दोस्तों आप लेटेस्ट वाला अलर्ट मशीन एप्लीकेशन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए दोस्तों। मिलता हूं एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।